क्या बढ़िया बात बोली हम सब के लिए। योग यज्ञ जप तप व्रत अनुष्ठान इनकी मना नहीं है, जो करते हैं वो वंदनीय है, इसकी निषेध नहीं है, इसकी मनाई नहीं है। लेकिन जब चाय पीते कॉफी पीते सोफे पर बैठकर भगवान मिल सकते हैं तो काय को भूखो मरो काय के लिए। और एक दिन व्रत करना हो, जन्माष्टमी अभी अभी गई है, मैं समझता हूं 12 बजे पकड़ना मुश्किल हो जाता है रात्रि को, ऐसा लगता है आज 12 बजेगा ही नहीं। दिन भर इधर से आएगा, केले खा जाएगा, उधर से आएगा, अमरूद खा जाएगा, इधर से आएगा, कुछ और खा जाएगा, अच्छा कुछ नहीं थोड़े से मखाने से एक लाओ, अरे इसे तो यार दो रोटी खा ले, दिन भर उसी में लगा हुआ है दिन। ये कलयुग का शरीर इतना ताकतवर नहीं है, इसका संकल्प बहुत ढीला है, संभव नहीं है। इसलिए जो करते हैं मैं उसका निषेध नहीं कर रहा हूं, उनको प्रणाम कर रहा हूं व्यासपीठ से, लेकिन भगवान कहते हैं बैठे उठते चलते फिरते मेरी कथाएं सुन लिया करो, 10 मिनट खड़े भी हो जाओगे तो भी तुम्हारा बेड़ा पार मैं कर दूंगा, बेड़ा पार तो मेरे हाथ में है, काहे को चक्कर में पड़ रहा है, बेड़ा पार तो